खबर हनुमानगढ़ से, हनुमान के नोर से है, जहां 12 में आयोजित हुई खेल प्रतियोगिता में विजेता रहने तथा जिले का नाम बढ़ाने पर खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन नोहर की पारिक धर्मशाला में किया गया। इसमें राजस्थान स्टेट सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता टीम व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 दर्जन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राजेंद्र चाचण, पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया, बीसीसी अध्यक्ष धर्मपाल गोदारा, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष संजय मोदी ने कहा कि क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। क्षेत्र में खिलाड़ियों की नई पौध तैयार होने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र के लिए सुखद संकेत है। यहां के खिलाड़ी आज भी देश में अपनी प्रतिभा की महक फैला रहे हैं। यहां एक और युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में समिति जा रही है। वहीं यहां के किशोर व युवा फुटबॉल के जुनून के सारे बड़े हो रहे हैं। कार्यक्रम में 12 में आयोजित राजस्थान स्टेट सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता के 16 खिलाड़ी प्रबंधक राजेश खीचड़ व कोच सलीम खान को सम्मानित किया गया। वहीं सब जूनियर स्कूली स्टेट प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नीतीश शर्मा, सैफुल खान व सर्वेश राव को भी सम्मानित किया गया। डीएफए सचिव शशिकांत शर्मा ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए को स्थित चंद्रशेखर आजाद क्रीड़ा स्थल को खेल मैदान के लिए रूप में विकसित करने की मांग की है। लेकिन आज अवधारणा बदल चुकी है। आज खेल जीवन का अंग है।